फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों आज बहुत अच्छी न्यूज़ जो है BSNL की आई है। हर एक टॉपिक के बारे में गौर करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में देखेंगे। दोस्तों हर एक टॉपिक में जो है इसने लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है जिन्होंने भी लिखा है, और इस वेबसाइट का नाम है techspear.xyz। तो आप जाके इसको जो है विजिट करना ज़रूर, क्योंकि इस पर BSNL से अच्छे अच्छे लिखे आर्टिकल आते रहते हैं, न्यूज़ इस पर मेनली न्यूज़ आती रहती है दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़, 100% जो है इस पर वेरीफाइड न्यूज़ आती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज खास न्यूज़। BSNL अब चल सकता है बहुत जल्द, जानिए क्या है ऐसा खास। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस न्यूज़ को। तो BSNL अब चल सकता है बहुत ही जल्द, क्या है ऐसा खास। BSNL अब चल सकता है बहुत जल्द क्योंकि दोस्तों BSNL अब लगभग अपने सभी कार्य समय पर करेगा। BSNL और MTNL दोनों ही सरकारी दूरसंचार कंपनी है, जो कि सबको पता है, जिसमें कि BSNL देश के सभी राज्यों में सेवाएं देती है, और जबकि MTNL बाकी सभी राज्यों को छोड़कर दिल्ली और मुंबई में सेवाएँ देती है। अभी अभी BSNL के मैनेजिंग डायरेक्टर PK परवार ने MTNL की कमान संभाली है, जो MTNL के जरिए बहुत खास बात सिद्ध होने वाली है। BSNL अब सैलरी भी समय पर देगा, BSNL के CMD PK परवार ने कहा है, क्योंकि BSNL पर पिछले कुछ सालों में हो चुके कर्ज का लगभग सभी भाग निपटा चुका है BSNL अब जल्द जो है भरेगा उड़ान। दोस्तों जो BSNL पर कर्ज था उसका लगभग सभी पार्ट जो है पूरा पैसा 100% जो कर्ज था उसको निपटा चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी निपट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 230 करोड़ रुपए एक फाइबर बनाने वाली कंपनी का था, अब वो भी निपटा दिया है BSNL। तो अब जो BSNL के 4G के लिए फाइबर चाहिएगा तो वहाँ से कोई रुकावट पैदा नहीं होने वाली है, वहाँ से फाइबर जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। तो BSNL के पास एक्सग्रेटिया और ग्रेचुटी के लिए फ़ंड, दोस्तों BSNL ने ग्रेचुटी और एक्सग्रेटिया के लिए भी फ़ंड पास कर दिया है। BSNL ने अभी कुछ समय पहले ही वर्ष 2019 में 23 अक्टूबर को एक रिवाइवल प्लान तैयार किया था, जिसको भारतीय संसद भवन में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था, और साथ ही यह फैसला भी लिया गया था कि BSNL और MTNL को बाजार में फिर से धमाकेदार वापसी के लिए 69,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों रिवाइवल प्लान तैयार किया गया था 69,000 करोड़ रुपये का, जिसमें कि BSNL के कर्मचारियों को दिया जाने वाला BRS भी शामिल था, और साथ ही साथ 4G स्पेक्ट्रम और एसेट मोनेटाइजेशन भी इसमें शामिल था। जब कोई कर्मचारी अगर किसी कंपनी में 5 या इससे अधिक साल काम करता है तो उसको एक्सग्रेटिया और ग्रेचुटी का पैसा कंपनी अलग से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को प्रदान करती है। तो दोस्तों अभी जो जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट लिया है, तो उनके लिए सभी के लिए ग्रेचुटी और एक्सग्रेटिया का पैसा देना बनता है। तो इसी प्रकार BSNL ने भी एक्सग्रेटिया और ग्रेचुटी का पैसा BSNL के BRS ले चुके कर्मचारियों को देने का फैसला लिया है, तथा इसके लिए BSNL ने एक्सग्रेटिया के लिए 5,276.62 करोड़ और दोस्तों ग्रेचुटी के लिए 1,200 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है, और ये पैसा जल्दी ही BRS ले चुके कर्मचारियों के सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो अब इस प्रकार BRS ले चुके कर्मचारियों का केवल BRS का सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में दी जाने वाली राशि बचेगी, वो भी जल्दी ही BRS ले चुके कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। दोस्तों अब जो है केवल सेकंड इंस्टॉलमेंट की राशि बचेगी, और यहाँ तक कि आपके अकाउंट में जो है ग्रेचुटी का पैसा आने लगा होगा, नहीं आया तो पास हो चुका है जल्दी आने लगेगा, ऐसा कुछ ऑफिशियल इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है कि कब तक पैसा आ जाएगा, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा जब पास हो चुका है। तो BSNL ने लॉन्च किया बुक माई फाइबर पोर्टल, अब नहीं काटने होंगे ऑफिस के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी जो है BSNL की पहल है। ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं तो जानते हैं क्या क्या इसमें खास अपडेट है, क्या क्या स्टेप हैं अगर आप ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं BSNL का तो, और या फिर आपका ब्रॉडबैंड में कोई दिक्कत है तो सही करवाना चाहते हैं। दोस्तों अब आपके लिए BSNL के ऑफिस के चक्कर कतई नहीं काटने होंगे। तो BSNL ने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी सहायता से आप केवल 2 दिन में अपना BSNL ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं। ब्रॉडबैंड लेने के लिए आपको मात्र एक बहुत छोटा सा फॉर्म भरना होगा। अगर आप ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सारे चरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको गूगल के सर्च बार में जाकर www.bookmyfiber.bsnl.co.in सर्च कर ले, या फिर दोस्तों आप बुक माई फाइबर
जाकर सर्च करेंगे तब भी ये वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि मैंने खोल के देखी है इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद आपको पहली और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर एक फॉर्म मिलेगा, आप इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी कुशलतापूर्वक आप भरिए। इसके बाद सबमिट या प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके घर के पते पर आकर BSNL के कर्मचारी खुद आकर विजिट करेंगे और ब्रॉडबैंड लगा जाएंगे। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड बहुत जो है सस्ता लग रहा है इसका, ब्रॉडबैंड की कीमत मात्र 499 रुपये रखी गई है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बीजेपी BSNL को बेचना चाहती है दोस्तों। अभी अभी एक बयान आया है, उसमें देखते हैं क्या है कि क्यों बेचना चाहती है। BSNL जो कि एक भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी है, जो कि दिल्ली और बॉम्बे को छोड़कर देश के अन्य सभी स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती है। अभी अभी बीजेपी सरकार के मौजूदा सांसद हेगड़े ने कहा है कि BSNL के कर्मचारी गद्दार कहा है। दोस्तों BSNL के कर्मचारियों को गद्दार कहा है, और BSNL की आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर बन जाने का जिम्मा भी उन्होंने BSNL के कर्मचारियों पर थोप दिया है। हेगड़े ने कहा है कि BSNL के कर्मचारी समय पर और सही ढंग से काम नहीं करते हैं, इसीलिए BSNL बंद होने की कगार पर है। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि अगर कहीं ब्रॉडबैंड या केबल काटने जैसी समस्या आ जाती है तो BSNL के कर्मचारी महीनों तक नहीं ढूंढ पाते इसका समाधान, कि क्या इसका समाधान है, और कस्टमर इसीलिए परेशान रहते हैं। इसीलिए हेगड़े ने कहा कि BSNL को प्राइवेट किया जाएगा। और साथ ही बीजेपी के मौजूदा सांसद हेगड़े ने यह भी कहा है कि भारत सरकार BSNL को आर्थिक और तकनीक दोनों ही तरीकों से पूरा सपोर्ट कर रही है, तथा BSNL के VRS देने के बाद बचे 88,000 कर्मचारियों को भी निकाल कर कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा, मतलब कंपनी को किसी निजी कंपनी को बेच दिया जाएगा। दोस्तों ये इनका कहना है, पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, ये इसको प्राइवेट करने की बात कह रहे हैं। BSNL यूनियन ने CMD को लिखा पत्र, नहीं हो 4G का टेंडर। दोस्तों 4G का टेंडर होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं। हाल ही में BSNL यूनियन ने BSNL के CMD को एक पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि BSNL का टेंडर नहीं हो, बल्कि डायरेक्ट उपकरण खरीद कर BSNL और MTNL को 2G और 3G को 4G में अपग्रेड किया जाए, ताकि टेंडर में लगने वाला समय बचाया जा सके। पहले से पहले ही जो BSNL है 4G के मामले में बहुत पिछड़ गया है। रिवाइवल प्लान के हिसाब से मार्च 1, 2020 लॉन्च करने का फैसला लिया गया था। दोस्तों 1 मार्च के लिए लॉन्च करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी BSNL के CMD की तरफ से जवाब मिलना बाकी है, और जवाब मिलेगा मैं जो है तुरंत आर्टिकल लिखने का प्रयास करूंगा, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और आप तक नोटिफिकेशन कुशलतापूर्वक पहुँच सके। तो दोस्तों आप ये वेबसाइट है techexperia.xyz जाके विजिट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके ज़रूर विजिट करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इस पर जो है जितने भी नोटिफिकेशन आए, जितने भी आर्टिकल आए, दोस्तों बहुत अच्छा जो है न्यूज़ ये वेबसाइट देती है, तो आप जो है इस वेबसाइट के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं हर किसी की वीडियो नहीं बना पाता हूँ और आप तक जो है बिल्कुल सॉलिड न्यूज़ पहुँच सके। बहुत अच्छी न्यूज़ ये वेबसाइट देती है, बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखती है और क्लियरली न्यूज़ मेंशन करती है, तो आप जो है इसको जाके ज़रूर विजिट करना। BSNL नवंबर तक चलेगा, नवंबर तक चल सकता है BSNL। तो दोस्तों BSNL नवंबर तक चलेगा, ऐसा BSNL के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है। अगर पीके परवार ने लेटर को स्वीकार किया और इस लेटर में लिखी योजना के हिसाब से काम किया, तो BSNL नवंबर महीने से पहले अच्छे से चलने लगेगा, और साथ ही ये भी मानना है कि सभी कर्मचारियों को सैलरी भी टाइम पर दे दी जाएगी। दोस्तों समय पर सैलरी दे दी जाएगी, चाहे वो संविदा कर्मचारी हों या रेगुलर बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी हों, सबको मिलेगा समय पर वेतन। दोस्तों कब मिलेगी जुलाई की सैलरी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चलिए जानते हैं इसको भी। दोस्तों कब जिसकी सैलरी मिलेगी, तो जुलाई महीने की सैलरी अभी रेगुलर बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई है। दोस्तों पीके परिवार ने सैलरी जल्दी दी जाने की बात कही है। जुलाई की सैलरी की जो मिलने की संभावित डेट है वो 20 या 21 अगस्त बताई गई है। दोस्तों 20-21 अगस्त के लिए सैलरी आपकी मिल सकती है, और ऐसी कुछ डेट उन्होंने नहीं बताई है कि इस डेट को मिल जाएगी, उन्होंने संभावित डेट बताई है। आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इतने के ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी। दोस्तों ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, देखिए और भी इसने आर्टिकल लिख रखे हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है
ये वेबसाइट लिख दी है, तो आप जो है जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया तो जाके आप ज़रूर विजिट करना इस वेबसाइट पर, क्योंकि मैं सभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ इस पर जितने भी आर्टिकल आते हैं, और काफ़ी जो है अच्छा अच्छा आर्टिकल ये लिखती है, क्लियरली न्यूज़ मेंशन करती है, अगर अच्छी न्यूज़ है तो अच्छी है और बुरी न्यूज़ है तो बुरी BSNL के लिए दोस्तों। तो आप जो है जाके ज़रूर विजिट करना है इस वेबसाइट पर, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ हर एक किसी की, ताकि आप जो है न्यूज़ से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी साथी एम्प्लॉय के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।